Play in early childhood, and now we are going to discuss how the environment should be for children play. The early childhood environment is an important factor in play, and early childhood space reflects many things. First of all, it should be a safe heaven. We are talking about that environment should be quite safe. कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए शार्प एजेस नहीं होने चाहिए कोई रॉक्स नहीं होने चाहिए कोई वाटर इतना ज़्यादा इस तरह से ना हो जहाँ बच्चे डूब सकते हों या उसमें गिर सकते हों तो जैसे आप किसी पार्क में बच्चे को ले जाते हैं तो पार्क में आप देख रहे होंगे कि इर्द गिर्द कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं तो फिर वो आराम से वहां पे खेल सकते हैं अगर वो आ, इन क्लासरूम के अंदर खेल रहे हैं तो जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल उनके लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जैसे स्टील का रूलर है वो इस्तेमाल कर रहे हों तो वो आपको पता है उसके एजेस बड़े शार्प होते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं अभी अर्ली चाइल्डहुड के उनको हम इस तरह के रूलर्स नहीं बल्कि उनको प्लास्टिक के मोटे रूलर जो है वो उनके लिए रखेंगे और तो और पेंसिल का अपना जो लेड होता है वो भी बहुत शार्प हो सकता है तो उसके लिए ये एहतियात करवानी जरूरी है कि बच्चे उस पेंसिल को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और फिर एनवायरनमेंट जो है देखिए एनवायरनमेंट को बजाते ख़ुद भी प्ले को इन्वोक करना चाहिए प्रोवोक करना चाहिए तो आप अगर रंग बिरंगी मुख्तफ तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दीवारों के साथ रखेंगे कॉर्नर्स प्रोवाइड करेंगे इक्विपमेंट रखेंगे और फिर बच्चों को कहेंगे कि भाई वो जैसे चाहे खेल सकते हैं तो वो ज़्यादा मोटिवेशन मोटिवेटेड होंगे उनकी कोशिश होगी कि वो कुछ ना कुछ जरूर उन चीज़ों को छेड़ें उनके साथ खेलें उनको मैनिपुलेट करें फिर प्रॉक्सिमिटी और प्रेजेंस हम ये कह रहे हैं कि जब बच्चे खेल रहे हों तो उस्ताद को उस, उनके करीब रहना चाहिए और उनको देखते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि बच्चे खेल के दौरान अपना फ़िज़िकल नुकसान ही करें वो एक दूसरे को आ, डांट टपट भी सकते हैं वो एक दूसरे से कुछ ऐसी बात भी कर सकते हैं जो बदतमीज़ी हो सकती है या वो लड़ाई झगड़ा कहीं भी छोटे बच्चे थोड़ी देर में ही शुरू कर देते हैं और तो और इसी बात पे कि अगर मैं कर रहा हूँ ये काम फ़र्ज़ करो ये टॉय मेरे पास है तो दूसरे को भी वही अच्छा लगने लगता है और वो वो टॉय से छीन रहा है ऐसी सूरत में छोटे मोटे जो उनके कॉन्फ्लिक्स हैं उनको मौके पर रिजॉल्व किया जाए और इस तरह का सेफ़ एनवायरनमेंट दिया जाए कि किसी बच्चे को कोई मुश्किल पेश ना आए तो ये हमारे इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फिर हमने कहा कि खेल के लिए बहुत बेहतर ये है कि आप उनको नेचुरल सेटिंग दें तो टीचर सेटअप एनवायरनमेंट्स फॉर प्ले अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल अ टीचर हु हैज द डिजायर टू इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन रिगार्डिंग नेचर विल मोर देन लाइकली पिक द नेचुरल आउटडोर एनवायरमेंट टू प्ले एंड लर्निंग द थिंग इज दैट खेल बेशक बच्चों के सीखने के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है तो अगर हमारे पास पहले से कुछ लर्निंग आउटकम्स मौजूद हैं जैसा कि हमारे अर्ली चाइल्ड हुड करिकलम के अंदर बहुत से आउटकम्स मौजूद हैं जैसे हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं पर्सनल जो हमारी ग्रोथ है उसके लिए पर्सनल वेल वेलबींग के लिए तो बच्चे प्रिटेंड कर सकते हैं ना कि सुबह जब आप उठेंगे तो आप सोए हुए आप कैसे उठेंगे सबसे पहले क्या काम करेंगे और बच्चे मॉक जो है वो ब्रश करते हैं फिर मौक वो मूद होते हैं और फिर वो बताते हैं कि ऐसे मैं बस्ता लूँगा ऐसे मैं ईट करूँगा खाऊँगा और फिर मैं स्कूल जाऊँगा तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक नेचुरल सेटिंग में हम उनको करवा सकते हैं फिर ये कि अगर हम उनको आउटडोर ले जाना चाहते हैं तो वी हैव टू लुक बिफोर कि क्या जो एनवायरनमेंट बाहर का है वो सेफ है मौसम के लिहाज से और जो ख़तरनाक इर्द गिर्द चीज़ें हैं जैसे अगर हम बच्चों को जंगल में ही ले जाते हैं या किसी पार्क में ले जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे कीड़े मकौड़े ख़तरनाक चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए तो आप उनकी हिफाजत के लिए एक नेचुरल सेटिंग दे सकते हैं लेकिन बड़ी एहतियात के साथ फिर हम ये कह रहे हैं कि अ वेल डिजाइन क्लास रूम इन्वायरमेंट प्रोमोट रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग देखिए रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग का मतलब ये है कि जो बच्चे खेल रहे हैं जो कुछ वो कर रहे हैं उस्ताद को उनकी खबर हो और वो उसको रिस्पॉन्ड कर सके ठीक है मसलन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो नॉर्मली बच्चों को अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है हमने बहुत अच्छा घर बनाया मेरी देखे मेरी डॉल ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं देखे मेरी गाड़ी कहाँ पर चलेगी इसने किस को हिट किया ऐसी सूरत में वो बार बार सवाल कर रहे होते हैं किस से अपने केयर गिवर से तो अगर केयर गिवर रिस्पॉन्स दे वाह कितना अच्छा है ये तो बहुत अच्छा हो गया आपने ये कर दिया वो कर दिया तो वो इन्वॉल्व रहते हैं और फिर उनका जो री है वो बार बार होता रहता है वो पहले से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और आप देखिए कि छोटे बच्चों के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोटे से किसी अच्छे काम पे उनके लिए क्लैपिंग की जा सकती है उनको अच्छे हौसला अफजाई के अल्फाज कहे जा सकते हैं और उनकी मदद की जा सकती है इस तरह से एक ऐसा कंडूसिव एनवामेंट और माहौल बनेगा जिसमें वो ना सिर्फ खेलेंगे खेल में दिलचस्पी रखेंगे बल्कि खेल को अपने लिए अचीवमेंट ख्याल करेंगे